दोस्तों, जहां वर्ल्ड कप 2023 के हार से पूरा भारत के साथ साथ भारतीय टीम भी निराश था, वहां आज भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव ने खुश होने का एक मौका दिया है। और यह मौका उसी ऑस्ट्रेलिया को हरा कर मिला है, जिस ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में हरा कर छठी बार खिताब जीता था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया टीम को भारतीय टीम ने किस हिसाब से धूल चटाई और ऑस्ट्रेलिया टीम बिल्कुल बौखलाते हुए नजर आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर मात्र 20 ओवर में खड़ा किया था। लेकिन भारतीय के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और रिंकू सिंह के तूफान ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की इतनी जबरदस्त खबर ली कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। सूर्य कुमार यादव ने मात्र 40 गेंदों में 82 रन की धमाकेदार पारी खेली, वहीं रिंकू सिंह ने मात्र 11 गेंदों में 30 रन की धमाकेदार पारी खेली और ईशान किशन ने 39 गेंदों में 58 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। और सूर्य कुमार यादव 4 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपने टीम को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाया। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बहुत ही नाकारा साबित हुए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तनवीर संघा ने 4 ओवर में 47 रन खर्च किए, नाथन एलिस ने 4 ओवर में 44 रन, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने रोते रोते भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुन आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो भारतीय टीम का हाल था उसे जानने के बाद हम सब निराश। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा कि वर्ल्ड कप हारने के बाद हमारे ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था वह बहुत ही भयानक, हम सब निराश थे और खासकर रोहित भाई सबसे ज्यादा दुखी थे, क्योंकि कप्तान होने का प्रेशर और वर्ल्ड कप हारने का प्रेशर उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता। लेकिन आज हम जीते हैं तो शायद रोहित भाई को थोड़ा सा आराम जरूर मिला होगा, और पूरा भारत को मेरे तरफ से यह एक छोटा सा तोहफा है, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले हर मैच में भारतीय टीम को जिता सके।